हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रिक और ट्रीट। मेरा नाम है रजनी और आज हम बनाने जा रहे हैं हलवाई जैसी अंगूरी रबड़ी या अंगूरी रसमलाई। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है और इसका टेस्ट भी बहुत अमेजिंग होता है। तो चलिए इस बढ़िया सी रसमलाई को बनाना शुरू। अंगूरी रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 2 लीटर दूध लेंगे। मैंने पैकेट वाला टोंड मिल्क यूज़ किया है क्योंकि इसमें फैट बहुत कम होता है। आप चाहें तो गाय का दूध भी ले सकते हैं। अब हम 1/2 कप पानी लेंगे और उसमें 3 टेबलस्पून विनेगर को मिक्स कर लेंगे और इस पानी को दूध को फाड़ने के लिए यूज़ करेंगे। रसमलाई बनाने के लिए अगर आप भैंस के दूध का इस्तेमाल करेंगे तो जो रसमलाई के रसगुल्ले बनेंगे वो हलवाई की तरह सॉफ्ट और स्पंजी नहीं होंगे, इसलिए आप गाय का दूध या टोंड मिल्क यूज़ कीजिए। अब दूध में उबाल आ गया है। अब हम दूध को 2-3 मिनट ठंडा करेंगे। उसके बाद जो हमने विनेगर का पानी तैयार किया था वो इसमें डाल देंगे। इस पानी को हमें एक साथ नहीं डालना, इस पानी को हम 3 बार डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसे चलाएंगे। आप चाहें तो विनेगर की जगह नींबू के रस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर नींबू का रस भी इसी तरह पानी में मिलाइए, फिर उसे दूध को फाड़िए। अगर आप डायरेक्ट नींबू के रस को या विनेगर को इस तरह दूध में डालेंगे तो हमारे छेने का स्वाद खट्टा हो जाएगा। अब दूध फटकर छेना तैयार हो गया है। अब हम एक कंटेनर पर छलनी रखकर उस पर एक कॉटन का कपड़ा बिछाएंगे। आप चाहे तो किसी कॉटन के रूमाल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इस पर जो हमने दूध को फाड़ कर तैयार किया था उसे इस कपड़े में स्ट्रेन कर लेंगे। अब इस छलनी को हम एक दूसरे कंटेनर में रख देंगे और जो छेने का पानी बचा है उसे ठंडा करके आटा गूंदने में यूज़ कर लेंगे या किसी सब्जी को बनाने में। अब हम इस छेने को आरओ या मटके के पानी से अच्छी तरह वॉश कर लेंगे, जिससे ये ठंडा भी हो जाएगा और अगर इसमें थोड़ा बहुत विनेगर का स्वाद आया होगा वो भी निकल जाएगा। अब इस छेने को हम अच्छी तरह निचोड़ लेंगे और इसे एक छलनी पर रखकर इस पर एक कंटेनर या कोई भारी बर्तन 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब 10 मिनट हो गए हैं, हम अपने छेने को चेक कर लेते हैं। हमें अपने छेने को ज़्यादा ड्राई नहीं करना, इसमें मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हार्ड होगा तो हमारे रसगुल्ले भी हार्ड बनेंगे। देखिए ये कितना सॉफ्ट बना है। अब हम इसमें 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डालकर उसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे फॉर अ सेफर साइड, जिससे जब हम रसगुल्लों को पकाएं तो वो फटे ना। अब इस छेने को हम हथेली की हेल्प से अच्छी तरह मसल कर चिकना कर लेंगे, जिससे हमारे रसगुल्ले बहुत सॉफ्ट बने। हमें इस छेने को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं मसलना है, ये 3 से 4 मिनट में तैयार हो जाता है। अब हम इस तरह से एक स्पून ले लेंगे जिससे हमारे रसगुल्लों का साइज़ इक्वल रहे। आप चाहे तो हाथ से भी इसकी इक्वल साइज़ की छोटी छोटी लोइयां बना सकते हैं। अब हमें इन लोइयों को बहुत हल्के हाथों से राउंड शेप में लाना है। देखिए इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं हैं। इसी तरह से हम अपनी सारी लोइयों को बनाकर तैयार कर लेंगे। सॉफ्ट स्पंजी रसगुल्ले बनाने के लिए ज़रूरी है कि जब हम इनकी लोइयां तैयार करते हैं तो उसमें क्रैक्स ना आए। अगर उनमें क्रैक्स आएंगे तो जब हम इन्हें चाशनी में पकाएंगे तो वो फट जाएंगे। अब रसगुल्ले पकने के लिए तैयार हैं। अब हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक पैन में 1.5 कप चीनी ली है और इसमें 5 कप पानी ऐड किया है। आप जिस भी कप या बाउल से चीनी लें इसी रेशियो से उसमें पानी ऐड करें। अब हम इस चाशनी में एक उबाल ले लेंगे और उबाल आने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। अब हम इसमें रसगुल्लों को डालना शुरू करेंगे। हमें गैस की फ्लेम बिल्कुल भी लो नहीं करनी है, इसे हमें हाई फ्लेम पर ही पकाना है। इस समय हम रसगुल्लों को बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे क्योंकि ये बहुत नाजुक होते हैं और टूट सकते हैं। हम इन्हें 5 मिनट के लिए ढक देंगे और 5 मिनट बाद ढक्कन हटाकर एक चमचे की हेल्प से इन्हें पलट देंगे और वापस से ढक्कन लगाकर 5 मिनट पका लेंगे। इन्हें हमें टोटल 10 मिनट के लिए पकाना है। देखिए ये साइज़ में जस्ट डबल हो गए हैं। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और रसमलाई की रबड़ी बनाना शुरू करेंगे, जिसके लिए हम एक कढ़ाई में 1.5 लीटर दूध लेंगे। मैंने फुल क्रीम मिल्क यूज़ किया है, आप चाहें तो भैंस के दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें 2-3 पिंच केसर डाल देंगे, उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
हमें छेना बनाते समय गाय के दूध का इस्तेमाल करना है और रबड़ी बनाते समय फुल क्रीम मिल्क का यूज़ करना है। अब जब दूध में एक उबाल आ जाएगा तब हम इसमें आधा पिंच लेमन कलर ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं और सिर्फ केसर ही यूज़ कर सकते हैं। दूध में उबाल आने के बाद इसे 4 से 5 मिनट तक और पका लेंगे। अब इसमें 1 कप चीनी ऐड करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 4 से 5 मिनट तक और पकने देंगे। हमें इस अंगूरी रबड़ी के दूध को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, हमें इसे पतला ही रखना है। अब अंगूरी रबड़ी या रसमलाई का दूध तैयार है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डाल देंगे, 1 टेबल स्पून चॉप्ड पिस्ते डाल देंगे, 1 टेबल स्पून चॉप्ड बादाम डाल देंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ करके रबड़ी को ठंडा होने देंगे। अब हम अपने रसगुल्लों को चेक कर लेते हैं, ये ठंडे हो चुके हैं। देखिए ये कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं। अब हम इन्हें चाशनी से निकाल कर अलग कर लेंगे और एक कंटेनर में रख देंगे। अब हमारी रसमलाई का दूध भी ठंडा हो चुका है। अब हम इस दूध को रसगुल्लों पर पोर कर देंगे और इसे 6 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडी ठंडी रसमलाई का स्वाद ही कुछ और होता है। मैंने इसे ओवरनाइट फ्रिज में रख दिया था, अब ये काफ़ी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे चॉप्ड पिस्ते और बादाम से गार्निश करेंगे। मैंने ड्राई रोज़ पेटल्स भी इसकी गार्निशिंग के लिए यूज़ किए हैं। इसकी खुशबू रसमलाई में बहुत अच्छी लगती है। देखिए हमारी रसमलाई कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। इसमें अंदर तक जो येलो कलर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमारे रसगुल्लों ने रबड़ी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। तो आप भी ये सारे स्टेप्स फॉलो कर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए इस यमी और टेस्टी अंगूरी रसमलाई को बनाइए और इन्जॉय कीजिए।